हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल पावर। लास्ट सेशन में भी हम एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने जो इसके एलिमेंट्स हैं इनके फोर एलिमेंट्स किए थे, जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट। ये फोर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो आज हम फिफ्थ एलिमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे हर एक फैक्टर इम्पोर्टेंट है अपनी नेशनल पावर को ग्रो करने का, उसी तरह टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इससे क्या होता है, जो डिवेल्प अंडर डिवेल्प कंट्रीज हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं। तो अपनी नेशनल पावर को शो करने के लिए टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसीलिए तो कहा जाता है टेक्नोलॉजी एज अ की टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो टेक्नोलॉजी है इससे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सकती है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इससे ही हमारी इंडस्ट्री है, इसकी जो मशीनरी है वो डेवलप हो पाएगी। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी में इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होता है। अगर हम इसकी और टेक्निक्स हैं वो ही यूज करते रहेंगे तो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि नए नए इक्विपमेंट हो, नई मशीनरी हो। तो इस तरह टेक्नोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप हो पाती है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इनके पास ज्यादा नेशनल पावर है। इनकी इकोनॉमिक पावर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन है नेशनल पावर का, तो इकोनॉमिक पावर टेक्नोलॉजी की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हम अटेन कर सकते हैं। देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल पावर। तो हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो। जैसे पहले यूएसए के पास ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, तो उसको सुपर पावर यूनिपोलर कहा जाता था। उसके बाद अदर कंट्रीज है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इन्होंने भी डिवेलप कर ली। फिर इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इस तरह सभी कंट्रीज ये प्रेफर करी है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो डिवेलप हो। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के पास है, चाहे उसकी ज्योग्राफी है, लोकेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत कम हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर के रूप में सबके सामने लेकर आती है। तो आज के टाइम में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुका है नेशनल पावर का। इसीलिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से ही हर एक कंट्री जी चाहती है कि हम अपने आर्मामेंट्स है इसको अपडेट करें। एंड आज के टाइम में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है इसको डिवेलप कर रही है, मिसाइल्स डिवेलप कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट पावर का सोर्स बन जाती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एज अ की टू सेल्फ डेवलपमेंट, मींस सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो इंक्रीज हो रही है। तो सेल्फ डेवलपमेंट, एक कंट्री वो कॉन्फिडेंट होता है, उसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर होती है, टेक्नोलॉजी के साथ वो स्पेस में भी अपनी मिशन है वो लॉन्च कर पाता है। तो आज के टाइम में जैसे हम भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर पा रहे हैं, तो जैसे कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक कंट्री को सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। एंड आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल एड है जे भी मेन बन चुका है ऑफ नेशनल पावर। तो टेक्नोलॉजी एड एज अ मींस ऑफ नेशनल पावर। तो अगर हम किसी कंट्री की टेक्नोलॉजिकली हेल्प करते हैं, उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो जे डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री है उन सबको इन्फ्लुएंस करती है। तो आज के टाइम में जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं कि हम आपको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो पुअर अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं वो डेवलप कंट्रीज की हर एक बात मानने को तैयार हो जाती हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी है
टेक्नोलॉजी से हर एक कंट्री अपनी नेशनल इंटरेस्ट को बहुत इजीली अचीव कर पाती है। तो यही तो नेशनल पावर है, टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन चुकी है। नेक्स्ट है मिलिट्री प्रिपेयरनेस, ये भी क्या है नेशनल पावर का बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। तो मिलिट्री प्रिपेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके बजट का मेजर पोर्शन मिलिट्री पर ही खर्च होता है, उसके वेपन्स पर खर्चा होता है। हमारी कंट्री है, हम भी डिफेंस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, हमारी नेबरिंग कंट्री है वो भी कर रही है। अगर कोई कंट्री अपने आप को डिफेंड करना चाहती है, तो अपनी सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो मिलिट्री में प्रिपेयर रहे, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के वेपन होने चाहिए। तो इस तरह जो वेपन्स होते हैं वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मिलिट्री पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का। तो मिलिट्री प्रिपेयरनेस में हम क्या कुछ इंक्लूड करते हैं, वॉर टेक्नोलॉजी। अगर हमारी किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाती है तो उस टाइम आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। आज का वो टाइम नहीं है जब हम एरो और बो लेकर वॉर करते थे, आज के टाइम में हम डिवेलप्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, उन वेपन्स को यूज करते हैं। तो वॉर टेक्नोलॉजी मॉडर्न होनी चाहिए, जैसे रशिया एंड यूक्रेन है इसमें वॉर होती है, तो रशिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी जिस वजह से हर एक कंट्री उससे डर रही थी। तो यूक्रेन को अदर कंट्रीज ने हेल्प क्यों नहीं की, तो इसका एक रीजन था कि रशिया ने कहा था अगर कोई और कंट्री हमारी वॉर के बिटवीन आएगी तो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन की वजह से ही और कंट्रीज है उनके पास ये नहीं था कि हम उनके साथ साथ दे सके यूक्रेन का। तो वॉर टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। मिलिट्री लीडरशिप वॉर टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, वेपन्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपकी मिलिट्री है आर्मी है, चाहे आपके पास कम आर्मी हो लेकिन उनकी लीडरशिप कौन कर रहा है, जो लीडर है उनकी कौन सी क्वालिटीज है, वो क्वालिटी ही डिटरमिन करती है कि आप वॉर लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते। जैसे यूक्रेन के पास बहुत ही कम आर्मी थी लेकिन उसकी लीडरशिप कितनी अच्छी थी जिस वजह से वो रशिया को उसकी आर्मी को पीछे तक ले गई। तो मिलिट्री लीडरशिप जितनी अच्छी क्वालिटी लीडर की होंगी उतनी ही अच्छी से हम लड़ पाएंगे, एक कंट्री की नेशनल पावर को रिप्रेजेंट करती है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स, जो एक कंट्री के सोल्जर्स हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी, जो क्वालिटी होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, क्वालिटी की वजह से ही एक आर्मी है वो लड़ सकती है। इसीलिए हार्ड वर्कर पॉपुलेशन है वो होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पॉपुलेशन का मोराल अच्छा होगा, उसके पास डेडिकेशन होगी अपने देश के लिए कुछ करने की, तो वो हमेशा ही विनर रहती है। मोराल ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं उनका मोराल कैसा है, यही डिटरमिन करते हैं कि हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। वेपन टेक्नोलॉजी, हमारे पास कौन से वेपन्स हैं, इसीलिए तो हर एक कंट्री आज के टाइम में जितनी भी न्यूक्लियर या फिर नई नई मिसाइल्स हैं उनको लेने की होड़ में है, वो चाहती है हमारे पास सबसे ज्यादा वेपन्स होने चाहिए। स्पाइंग मीन्स हमें अपने दुश्मन की हर एक एक्टिविटी का पता होना चाहिए। अगर हम वॉर में हैं तो हमारे अनदर, जो हमारे ऑपोजिट हमारे एनिमी है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेसेस है, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये क्या होती है, नेशनल पावर होती है। देन नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, ये भी इम्पोर्टेंट इनटेंजिबल रिसोर्स माना जाता है, जे साइकोलॉजिकल इनडायरेक्ट एंड इनटेंजिबल एलिमेंट है जिससे ही आधी लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है। अगर हमारे पास ये सारे सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज टेंजिबल हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी कंट्री के लोगों का एटीट्यूड है, ट्रेट्स है बहुत अच्छा होगा, तो नेचुरली है वो कंट्री मस्ट बी विनर, वो हमेशा ही विनर रहती है। तो ट्रेट एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स वर्क एंड नेशनल नीड्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम अपनी नेशनल नीड के लिए कौन सा एटीट्यूड रखते हैं, इससे ही हमारी कंट्री है उसकी डेवलपमेंट हो पाती है। जिन लोग हैं, लोग क्या होते हैं, कंट्री की नेशनल पावर होते हैं, और उसकी क्वालिटी है, उसका करैक्टर है, उसका मोराल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
और जो मोरल है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। अगर लीडर की क्वालिटी अच्छी होंगी तो एक कंट्री है वो कंट्री हमेशा ही विनर रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है, एक कंट्री के आइडियाज बिलीफ जिस वजह से वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी हर एक एक्शन को रिएक्शन को उसको जस्टिफाई कर पाती है। तो ये क्या है, सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ दैट डील्स विद द पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इस वजह से क्या होती है, गवर्नमेंट अपने लोगों की सपोर्ट मांगती है, अपने आप को डिफेंड करती है इंटरनेशनल लेवल पर भी और अपने होम गवर्नमेंट में भी। तो गवर्नमेंट अपहोल्ड्स एज अ सोर्स ऑफ यूनिटी एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल एट होम एंड अब्रॉड। इस तरह से आइडियोलॉजी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी कोल्ड वॉर के टाइम, जो ईस्टर्न स्टेट्स थी इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। ईस्ट वाइल यूएसएसआर था, वो क्या चाहता थी कि हर एक कंट्री में कम्युनिज्म है वो सेपरेट हो, तो चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री बनता है पर अपने आप को डिवेलप करने की अपनी पॉलिसीज है इनको जस्टिफाई करता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी भी है, सोशलिज्म पैटर्न को हम अडॉप्ट करते हैं। लिबरलिज्म, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो लिबरल पॉलिसी को अपनाती है तो उनकी लिबरल आइडियोलॉजी है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाता है। अगर हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं तो ये क्या होगी, हमारी नेशनल पावर होगी। और उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो आपकी देश की गवर्नमेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, हमारी नेशनल पावर बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है अफेक्टिव वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होने चाहिए जो अपनी कंट्री के नेशनल गोल्स है इनको फुलफिल कर सकती है। अफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है जे हमारे रिसोर्सेस हैं इनको प्रॉपर यूटिलाइज करेगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशन है जे ही क्या करती है, अपने देश के हर एक रिसोर्स को यूज करती है, प्रॉपर गाइड करती है, उन लोगों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो जे एक देश की नेशनल पावर के रूप में आती है। तो जो गवर्नमेंट होती है जे ही क्या करती है, जो भी इस कंट्री की पॉपुलेशन है, मेन है एंड रिसोर्सेस है, इनमें बैलेंस क्रिएट करती है। तो जो बैलेंस क्रिएट किया जाता है, जी क्वालिटी है गवर्नमेंट की, जिस वजह से वो अपने देश के रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज कर पाती है। तो इसकी जो गवर्नमेंट की टाइप्स है, कुछ कहती है डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है और कुछ कहते हैं डिक्टेटरशिप अच्छी है। लेकिन जो फॉर्म है डिक्टेटरशिप में हम क्विक डिसीजन ले पाते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो एक डेफिनेटली सबसे सुप्रीम पावर बन पाती है। एंड उसके बाद आते हैं लीडरशिप। लीडरशिप के बिना जो अदर फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं लेकिन अच्छा लीडर नहीं है तो लीडर के बिना जो आपके रिसोर्सेस हैं इनको फुली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट है ऑफ नेशनल पावर ऑफ अ नेशन। इसके साथ ही जो हमारे नेशनल रिसोर्सेस है हम इनको फुली यूटिलाइज करते हैं, चाहे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो, मिलिट्री रिसोर्सेस हो, सोशल रिसोर्सेस हो, हम इन सबको लीडरशिप के अंडर ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो जो लीडरशिप है उसके पास क्विक एंड करेक्ट डिसीजन की क्वालिटी होनी चाहिए जिस वजह से वो अपने देश के लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है। तो लीडरशिप क्या होता है, एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी तो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, जिस सभी एलिमेंट्स अगर डिप्लोमेसी होगी, डिप्लोमेसी से ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो नेशनल पावर का ब्रेन किसको माना जाता है, डिप्लोमेसी को। डिप्लोमेसी से क्या करते हैं, हम अपने रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ डिवेलप कर पाते हैं। तो जो भी नेशनल गोल्स हैं
वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही अचीव किए जा सकते हैं। आज के टाइम में जो डिप्लोमेसी है वो सीक्रेट डिप्लोमेसी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो वैसे जो एक सुपर पावर के रूप में सबके सामने आया वर्ल्ड वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर का पीरियड होता है, तो सुपर पावर किस वजह से बन सका? क्योंकि इसकी डिप्लोमेसी सबसे बेस्ट थी। जब बेस्ट डिप्लोमेसी होती है तो जे एक सुपर पावर बना देती है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ही रन करते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे सिविल सर्वेंट्स के द्वारा रन किया जाता है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जे ही पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको गाइड करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहे लीडर्स की होती है लेकिन इनको चेंज करने का काम कौन करती है? ब्यूरोक्रेट करते हैं। इसीलिए एक कंट्री के पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एबल होने चाहिए और जे एक कंट्री की ब्लेसिंग होती है, इससे ही आधी लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है। एंड लास्ट वन इज एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इंटेलिजेंसी नेटवर्क यानी एजुकेशन। अगर हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं वो एजुकेटेड होंगे, इनलाइटेड होंगे, जे क्या है? नेशनल पावर है। हमारे देश का हर एक पर्सन देश की पावर होता है। तो नॉलेज ही पावर है और एजुकेशन है वो ही लोगों की इनलाइटमेंट है, जो एक पावर के रूप में होती है। इससे वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क जे क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रेंड। इसका मीनिंग क्या है? चाहे हमारे दुश्मन है चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमको इनके हर एक एक्टिविटी का पता होना चाहिए, इनकी वीकनेसेस क्या है और इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि हम वॉर टाइम है चाहे पीस टाइम है हम इसको यूज कर सके, हम नेगोशिएट कर सके, हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो जो ये एलिमेंट्स हैं, जे सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बन जाते हैं। इससे ही एक कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अचीव हो पाते हैं। जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर पाते हैं तो जे कंट्री की नेशनल पावर होती है। तो आज हमने इस सेशन में एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।